डाइट इन पीसीओएस। पीसीओएस में हार्मोनल इंबैलेंस होता है, जैसा कि हमने पहले भी बात की है। इसमें एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो पैनक्रियास से सिक्रीट होता है। नॉर्मली ये जो ग्लूकोज है वह इसको सेल्स को यूज करने में हेल्प करता है, जिसे हमें एनर्जी मिलती है। पर पीसीओएस में पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और इंसुलिन फिर ओवरी में एंड्रोजेंस लेवल को बढ़ा देता है, जिससे पेशेंट को अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ होते हैं, ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स होती है और साथ ही साथ पेशेंट मोर प्रोन होता है कि उसे डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम हो जाए। दूसरी ओर अगर ये एंड्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं तो फिर पेशेंट को हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो इस हार्मोनल इंबैलेंस को हम अपने डाइट से कुछ संतुलन में ला सकते हैं। अगर हम हाई न्यूट्रिशियस फाइबर डाइट लें और अगर एक महिला अपना 5 से 10% वेट कम करती है तो देखा गया है कि उसके पीसीओएस सिम्टम्स बेटर हो जाते हैं। और सबसे पहला मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टडीज इन पीसीओएस जो है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज। तो जैसा कि हमने बात की कि पीसीओएस पेशेंट्स को मोर प्रोन होते हैं कि उनको डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम हो सके, तो उनके लिए डायबिटिक डाइट एडवाइस की जाती है। दैट इज जो डाइट होगी उसमें हाई रिच फाइबर डाइट होनी चाहिए। तो उन्हें हाई रिच न्यूट्रिशियस हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए, जिससे उनके बॉडी का शुगर संतुलन मेंटेन रहे। उनको एक बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए जिससे उनकी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स मेंटेन रहे, जिससे उनके एंड्रोजन के जो प्रोडक्शन है वह मेंटेन रहेगा और कंट्रोल रहेगा। साथ ही साथ उनको रेगुलर मील्स खाने चाहिए, कोई मील स्किप नहीं होने चाहिए, नहीं तो उनके ब्लड शुगर लेवल्स क्रैश डाउन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिसके बाद महिला को बहुत क्रेविंग होगी खाना खाने की या वह ओवर ईटिंग भी कर सकती है। तो इसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए। तो महिला को एक हाई न्यूट्रिशियस हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। साथ ही साथ उनको अपने डाइट में विटामिन डी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जैसे कि एग्स, मशरूम, विटामिन बी जैसे कि आलमंड्स, आयोडीन हिमालयन सॉल्ट में होता है, मैग्नीशियम यह भी आलमंड्स में मिलता है, या फिर सेलेनियम जैसे कंपोनेंट्स वाले फूड को इंक्रीज अपने डाइट में लेना चाहिए। साथ ही साथ उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लेना चाहिए, जैसे कि लीन प्रोटीन्स दैट इज फिश, टोफू, या लो इन फैट होते हैं और पेशेंट को बहुत फिलिंग फील देते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक स्ट्रॉबेरीज, क्रैनबेरीज, टमेटोज, ब्रोकली, ये सब उनकी बॉडी की इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में देखा गया है कि उसमें कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस भी होते हैं। अब कौन से फूड है जो पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए? व्हाइट फ्लावर यानी कि मैदा, बर्गर, पिज्जाज, ये सब अवॉइड करना चाहिए। शुगरी कंटेंट के जो फूड्स होते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, ये सब अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि अगर हमारा वेट नॉर्मल है और पीसीओएस है तो क्या हमें पीसीओएस डाइट फॉलो करनी चाहिए? जी हाँ, अगर आपका वेट नॉर्मल है तो भी आपको पीसीओएस डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी पीसीओएस पेशेंट होते हैं वो सब ओवरवेट नहीं होते हैं। आधे से ज्यादा पीसीओएस पेशेंट्स का वेट नॉर्मल होता है, पर उनके जो बॉडी में इंसुलिन के रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया, उसकी एक समस्या होती है। तो उनकी ओवरीज बहुत सेंसिटिव होती हैं, एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं और फिर उनको सारे पीसीओएस सिम्टम्स होते हैं। तो पीसीओएस पेशेंट जिसका ओवरवेट भी नहीं है उनको भी एक पीसीओएस डाइट फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको इस संदर्भ में और कुछ प्रश्न हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।